Welcome students, you are watching your own channel AS Classes. आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल AS Classes और मैं सुख शर्मा फिर हाजिर हूँ लेकर एक और नया एजुकेशनल वीडियो आप लोगों के लिए। ये जो हमारा एजुकेशनल वीडियो है ये क्लास 10 सोशल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उनकी NCERT की बुक हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 नेशनलिज्म इन इंडिया। इस चैप्टर से रिलेटेड खिलाफत मूवमेंट तक के जितने भी टॉपिक्स हैं, स्टार्टिंग से खिलाफत मूवमेंट तक के जितने भी टॉपिक्स हैं, उनके वीडियोस हम अपने चैनल AS क्लासेस पर अपलोड कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो खिलाफत मूवमेंट से आगे हमारे NCERT में जो टॉपिक्स दिए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, देखते हैं कि आज हम लोगों को क्या क्या डिस्कस करना है। आज हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स की भूमिका किस तरीके से खिलाफत मूवमेंट के समय डिसाइड हुई थी ये हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं, फिर भी एक रिवाइज के साथ मैं उसको स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले तो हमारा जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है इसकी भूमिका, कलकत्ता का जो कांग्रेस का सेशन हुआ था उसी सेशन में डिसाइड हो गई, क्योंकि वहां गांधी जी ने डिसाइड किया था कि खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए इंडिया में एक बड़ा मास मूवमेंट स्टार्ट किया जाना चाहिए, और वो बड़ा मास मूवमेंट क्या था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। गांधी जी ने इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को नागपुर सेशन के बाद फाइनलाइज कर लॉन्च किया जनवरी 1921 में। भारत में 1921 में जनवरी के दिन, जनवरी वाले मंथ में ये मूवमेंट लॉन्च किया गया। आखिर क्या रीजन था कि महात्मा गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को ही प्रमोट किया। नॉन कोऑपरेशन, जिसका वर्ड का अर्थ है कि किसी के साथ सहयोग ना करना, किसी को सहयोग प्रदान ना करना। तो ये आइडिया आखिर गांधी जी को आया कहां से, तो उन्होंने अपनी जो बुक लिखी थी, उनकी एक फेमस बुक थी जो कि हिंद स्वराज के नाम से जानी जाती है, उस बुक में महात्मा गांधी जी ने इसके बारे में डिस्क्राइब किया है। तो ये हमारा 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाता है कि आखिर ये बुक हिंद स्वराज का जो ऑर्थर है वो कौन है, तो हमको आंसर में लिखना है महात्मा गांधी। इस बुक में महात्मा गांधी जी ने ये क्लियरली डिस्क्राइब किया था आखिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का आइडिया उन्होंने क्यों अडॉप्ट किया। तो देखते हैं कुछ 2 पॉइंटों के साथ डिस्क्रिप्शन में देखते हैं। पहला, गांधी जी का ये मानना था कि भारत में ब्रिटिश रूल इसीलिए एस्टेब्लिश हो पाया क्योंकि भारतीय लोगों ने ब्रिटिशर्स को कोऑपरेट किया, और ये बात बिल्कुल सही भी थी। जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए थे और उन्होंने हमारे यहाँ व्यापार करने की परमिशन मांगी थी तो हमने उनको व्यापार करने की परमिशन दी, और धीरे धीरे करके वही ब्रिटिशर्स जो कि यहाँ पर एज ए ट्रेडर आए थे बाद में उन्होंने अपने इंडिया को अपनी कॉलोनी बना लिया। क्यों? क्योंकि इंडियन लोगों ने उनको कोऑपरेट किया उनके ट्रेड में, उनको कोऑपरेट किया उनकी अदर एक्टिविटीज में। जब गांधी जी ने ये चीज देखी तो उन्होंने ये चीज समझ ली थी कि बिना इंडियन कोऑपरेशन के अगर भारतीय लोग ब्रिटिशर्स को कोऑपरेट ना करें तो कहीं ना कहीं इसका फायदा इंडियन पीपल को होगा और भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बन सकता है। तो सबसे पहला उन्होंने यही डिसाइड किया कि अगर भारतीय लोग ब्रिटिशर्स को कोऑपरेट करना बंद कर दें तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है, ये सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है जिसके जरिए हम ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगा सकते हैं। यही रीजन था कि गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया। क्लियर? अब इसको हम लोगों को 2 पॉइंट्स में सिंपली लिख भी लेना है। और सबसे पहला हमारा है, ब्रिटिश रूल वाज स्टेबलाइज्ड इन इंडिया विद द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस। भारत के कोऑपरेशन से ब्रिटिश रूल यहां पर स्टेबलिश हो गया। इफ इंडियन रिफ्यूज टू कोऑपरेट ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ब्रिटिश रूल कोलैप्स। अगर भारतीय लोग ब्रिटिश रूल को कोऑपरेट ना करें तो भारत में ब्रिटिश रूल जो है वो पूरे तरीके से धराशायी हो जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए, इसी आइडिया को ध्यान में रखते हुए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया गया। क्लियर प्यारे बच्चों, ये बेस है
जो हमें बताता है कि ब्रिटिश के अगेंस्ट में गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किस बेस पर स्टार्ट किया। तो फटाफट से पहले बच्चों इसको नोट कर लो, फिर हम लोग इसके बारे में और कुछ डिटेल जानेंगे और कुछ आगे की बातें सीखेंगे, ठीक है? चलिए बच्चों, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे बोर्ड एग्जाम में कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब द स्टेजेस ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के जो डिफरेंट स्टेजेस थे, मींस इसको पूरे भारत में किस तरीके से लॉन्च करना है, किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है, वो सारी चीजें इसमें डिस्क्राइब करनी है यानी पूछी गई है। और इसी की में दूसरे तरीके से क्वेश्चन आता है, बट द आंसर हमें सेम लिखना है। मेंशन एनी थ्री प्रपोजल सजेस्टेड बाय गांधी फॉर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को भारत में किस तरीके से लॉन्च किया जाना है और किस तरीके से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंडर में वर्क होगा, ये गांधी जी द्वारा सजेस्टेड प्रपोजल सबको बताने हैं। तो विद द हेल्प ऑफ थ्री पॉइंट्स हम लोग उस पूरे बात को यहाँ डिस्क्राइब कर रहे हैं कि क्या क्या स्टेजेस थे, किस किस तरीके से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को यहाँ भारत में लॉन्च किया गया। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है इट वॉज बिगिन विद सरेंडर ऑफ टाइटल्स ओनर एंड ऑनरेरी पोस्ट दैट ब्रिटिश गवर्नमेंट अवार्डेड। ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा जितने भी टाइटल्स दिए गए थे इंडियन पीपल्स को उनके ऑनर में, ठीक है, उन सभी टाइटल्स को सबसे पहले वापस करने के लिए कहा गया। मींस हर वो टाइटल जो ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा भारतीय लोगों को उनके ऑनर में दिया गया है उसको वापस करना है। इसके अलावा वो सारी पोस्ट्स जिन पोस्ट्स को ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा इंडियन पीपल्स को दिया गया है उनके ऑनर में, उन सारी पोस्ट्स को भी छोड़ना है यानी उनको भी लीव लेफ्ट करना है। इसके बाद जो सेकेंड स्टेज थी ये फर्स्ट स्टेज थी। इसके बाद सेकेंड स्टेज में ये डिसाइड किया गया कि जितने भी ब्रिटिश ऑफिशियल्स या ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड चीजें उन सबको बॉयकॉट करना है, जैसे सिविल सर्विसेज, जैसे आर्मी, जैसे पुलिस, जैसे कोर्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल्स, फॉरेन गुड्स, यानी कि कोई भी कोर्ट में काम करने ना जाए, सारे बच्चे जो गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, उनको वहां से अपनी पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। इसके अलावा लेजिस्लेटिव जितनी भी काउंसिल्स हैं वहां पर वर्क नहीं होना चाहिए यानी उन इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आर्मी पुलिस में जितने भी इंडियन पीपल शामिल हैं, ब्रिटिश आर्मी पुलिस में और आर्मी में और पुलिस में जितने भी इंडियन शामिल हैं उनको वहां से वो जॉब छोड़ देनी चाहिए। इसके अलावा नो पेमेंट फॉर टैक्सेस कैंपेन, किसी भी प्रकार का टैक्स जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को नहीं देना है, क्योंकि टैक्स हम अच्छी तरह जानते हैं एक वो साधन होता है, वो मेथड होता है जिसके जरिए सबसे ज्यादा रेवेन्यू कमाया जाता है और इसी रेवेन्यू से गवर्नमेंट वर्क करती है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जितने भी टैक्सेस लगाए थे यानी अपनी इनकम के लिए, उन सभी टैक्सेस को देने से मना करना है, यानी जगह जगह पर ऐसे कैंपेन ऑर्गेनाइज करने, लोगों को इस चीज के लिए मोटिवेट करना है कि वो किसी प्रकार का टैक्स जो है वो पे ना करें। यही सारी चीजें जो गांधी जी थे उन्होंने सजेस्ट की कि इन सब बेसिस पर हम लोग भारत में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बढ़ाएंगे, यानी कि ब्रिटिशर्स को किसी भी तरीके से कॉपरेट नहीं करेंगे, और जब हम इस तरीके से कॉपरेट नहीं करेंगे इन सब मेथड्स के जरिए, इन सब स्टेजेस की फॉर्म में हम कॉपरेट नहीं करेंगे, तो जो ब्रिटिश रूल है वो भारत में पूरे तरीके से धराशायी हो जाएगा। क्या लगता है, क्या इसका इफेक्ट आना था, क्या इससे कुछ बेनिफिट होना था? यही सारी चीजें इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से पहले बच्चों इसको नोट करो, फिर आगे हम उन चीजों को डिस्कस करते हैं। मेरे बच्चों तो चलिए
अब आगे देखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि गांधी जी द्वारा सजेस्ट किए गए मेथड्स का जब इंडिया में यूज किया गया, यानी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में उन मेथड्स के जरिए पूरे मूवमेंट को स्प्रेड किया गया, तो उसके क्या क्या इफेक्ट्स देखने को मिले। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि बायकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स। अब इस आंसर को लिखने के लिए हम टोटल चार हेडिंग्स का इस्तेमाल करेंगे और इन चार हेडिंग्स के जरिए हम वो सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो हमें आंसर में लिखने हैं। तो जो हमारी सबसे पहली हेडिंग है वो है बायकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स। इस हेडिंग के तहत, क्योंकि फॉरेन गुड्स को बायकॉट करना था, ये गांधी जी ने डायरेक्टली सजेस्ट किया था कि भाई हम नॉन कॉपरेट मूवमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, मीन्स किसी प्रकार का कोई कॉपरेशन नहीं। तो इसी के तहत सबसे पहला जो स्टेप लिया गया वो ये था कि विदेशों की फैक्ट्री से बनकर आने वाले सारे के सारे गुड्स, यानी ब्रिटिश गुड्स जितने भी थे, उनमें जो क्लॉथ थे, उन क्लॉथ्स को जगह जगह होली बनाकर उनमें आग लगा दी गई। मीन्स जगह जगह ये देखने को मिला कि लोगों ने उन क्लॉथ्स को जलाना शुरू कर दिया। इसके अलावा जो लीकर शॉप्स थी, लीकर शॉप्स क्योंकि जिनसे सबसे ज्यादा रेवेन्यू मिलता है, लीकर शॉप्स जितने भी थे उन सब लीकर शॉप्स को पिक्टेड किया गया। यहाँ पर जो वर्ड पिक्टेड है इसका मतलब ये है कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें कि किसी भी व्यक्ति को किसी जगह पर एंट्री करने से रोका जाए। तो भीड़ ने जगह जगह लीकर शॉप्स को घेर लिया और इन लीकर शॉप्स में किसी को एंट्री करने नहीं दी। इसके अलावा हमारी जो सेकंड हेडिंग है वो है इम्पैक्ट ऑन इम्पोर्ट्स। आखिर इस स्टेप्स का क्या इम्पोर्ट के ऊपर कोई फर्क पड़ा? इम्पोर्ट मीन्स वो मटेरियल जो एक कंट्री दूसरी कंट्री से मंगाती है। तो क्या इसका कोई फर्क पड़ा? हाँ, इसका बहुत ज्यादा फर्क ये पड़ा कि जो फॉरेन क्लॉथ हमारे यहाँ पर आते थे, यानी कि ब्रिटिश क्लॉथ जो हमारे यहाँ पर आते थे, वो लगभग आधे से भी कम हो गए। इस पीरियड में 1921-22 में उनका जो इम्पोर्ट था वो घट गया और आधे से भी कम रह गया। और अगर हम मनी में उसकी वैल्यू काउंट करें तो उसकी जो वैल्यू थी वो ड्रॉप हुई। जहां पहले उसकी वैल्यू ₹102 करोड़ थी, वो गिरकर अब केवल 57 करोड़ रह गए। आप देख सकते हो कि कितना बड़ा फर्क पड़ा है, कितना ज्यादा अमाउंट में वैल्यू ड्रॉप हुई है। तो यानी कि ये दो ऊपर के जो पॉइंट्स हैं, ये क्लियरली बताते हैं कि भाई कहीं ना कहीं इंडिया के लिए पॉजिटिव और ब्रिटिश रूल के लिए ये नेगेटिव दिखाई पड़ते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का बेनिफिट हो रहा है। इसके बाद हम देखते हैं थर्ड पॉइंट को। थर्ड पॉइंट को हम इंडियन इंडस्ट्री के बेस पर देखते हैं। तो इंडियन इंडस्ट्री में भाई देखो, जब हम उनको यूज नहीं कर रहे हैं तो नेचुरल सी बात है किस चीज को यूज करेंगे? अपने यहाँ प्रोडक्ट होने वाली चीजों को। और जब अपने यहाँ के प्रोडक्ट की चीजों को यूज करेंगे तो नेचुरल सी बात है उनकी डिमांड बढ़ेंगी। और इसी डिमांड की वजह से जो भारत की इंडियन टेक्सटाइल मिल्स थी और जो हैंडलूम्स थे, उन सबके प्रोडक्शन में बूम आना शुरू हो गया, यानी कि उनका प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हो गया। और जब प्रोडक्शन बढ़ा तो नेचुरल सी बात है उससे कहीं ना कहीं इंडियन पीपल को बेनिफिट हुआ होगा। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मर्चेंट एंड ट्रेडर्स। ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते थे ट्रेडिंग में, ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते थे बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड इंडियन मार्केट के बीच। तो देखें इन्होंने क्या किया। इन्होंने सबसे पहले काम तो ये किया कि इन्होंने फॉरेन गुड्स में ट्रेडिंग करना छोड़ दिया। उसके लिए पूरा रिफ्यूजल कर दिया कि फॉरेन गुड्स में किसी प्रकार की कोई ट्रेडिंग नहीं होगी। इसके अलावा जो फाइनेंस होता था फॉरेन ट्रेड के लिए, वो फाइनेंस भी पूरे तरीके से बंद कर दिया गया, इसको पूरे तरीके से समाप्त कर दिया गया। तो हम देख सकते हैं कि गांधी जी के द्वारा सजेस्ट किए गए प्रपोजल को कहीं ना कहीं भारत के कई क्षेत्रों में इम्प्लीमेंट किया गया। उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद कहीं ना कहीं कुछ लेवल तक हम ये भी देखते हैं कि भाई रिजल्ट पॉजिटिव ही आ रहा था। लेकिन इसके बावजूद ये मूवमेंट सभी जगह उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया जितना सक्सेसफुल होना चाहिए था। तो नेक्स्ट टॉपिक्स जो है वो इसी चीज को डिस्क्राइब करेंगे कि टाउन एंड सिटी एरियाज में ये
इसकी क्या कंडीशन थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की, और इसके अलावा ट्राइबल एरियाज में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की क्या कंडीशंस थी, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से प्यारे बच्चों इसको नोट कर लो, हो गया। चलिए तो अब आपको एक चीज क्लियर है कि भाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुआ और उस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के पीछे क्या आइडिया था, उसका भारत में क्या इफेक्ट आया और गांधी जी ने क्या सजेस्ट किया कि हम लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इस तरीके से लॉन्च करेंगे। क्लियर? तो इन्हीं सब बातों को आपको अपने बोर्ड के अकॉर्डिंग अपने दिमाग में भी सेट करके रखना है, क्योंकि इनमें से कई तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए आपका अपना चैनल एएस क्लासेस, और हाँ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका प्यार हमें मोटिवेशन देता है ज्यादा से ज्यादा अच्छी आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। तो जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर फिर भी कोई डाउट्स आपके रह जाते हैं तो आप अपने डाउट्स को हमारे कमेंट बॉक्स में, यानी हमारे चैनल के हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि हम आपकी क्वेरी से रिलेटेड जो वीडियो है वो जल्दी से जल्दी अपलोड कर सकें। ठीक है प्यारे बच्चों, थैंक यू।